गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आपने ये वाली ड्रेस इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बहुत सारी लड़कियों को देखे हुए रिकमेंड करते हुए, तो उनके वजह से मैंने इसको ख़रीद तो लिया और वो लोग बहुत कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल टू वेयर है, ये देखा होगा आपने, तो मैंने ख़रीद लिया। तो सब लोग कहते कि करवा चौथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है लुक मार्क वुमेंस आर्ट सिल्क कुर्ता विथ पैंट सेट एंड दुपट्टा। ये 659 रुपीज़ का पड़ा है और मैं दिखाती हूँ मुझे कैसा मिला है। सो ये रहा पैकेज, और अगर आप इसको ख़रीदने वाले हैं तो ये वीडियो फुल देखिएगा। मैं सब वेयर कर कर भी आपको दिखाऊँगी कैसा लग रहा है, कैसा लुक कर, कितना कंफर्टेबल टू वेयर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो प्राइसिंग पे करी गई है वो सेम उतनी ही अमाउंट करी गई है, और ये आर्ट सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, तो दिस इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड। कि देखिए आप किस तरीके के बंदे हैं मैं नहीं जानती ज़्यादा, तो जो गर्मियों का सीज़न होता है, जो ठंड का सीज़न होता है, जो बंदे बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, स्वेटिंग आती है जिनको, या फिर नॉर्मल भी स्वेटिंग आती है, तो ये कपड़े बिल्कुल भी स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आई रियली डोंट नो कि इंस्टाग्राम में लड़कियों ने क्यों ज़बरदस्ती कहा कि ये बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है, लेकिन जब मैंने उसको ट्राई किया था तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल टू वेयर नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कोई पॉलिथीन पहन लिया है। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, और अगर आपका मन है ये लेने का तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करने वाली कि आप इसे खरीदिए, बिकॉज अगर चाहे ठंड का भी मौसम है भी कोई नॉर्मल बंदे भी थोड़ा सा स्वेट करेंगे तो ये बिल्कुल ही पसीना आपका को सोख नहीं करने वाला। और ये ना पूरी मुझे कुछ खास अच्छा तो नहीं लगा। मैं आपको फुल दिखा देती हूँ कैसा आया है। वैसे लुक वाइज देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन हर सुंदर चीज़ अच्छी नहीं होती है, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। तो मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कैसा आया है पूरा। सो अगर मैं बात करूँगी इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर मिल जाएगा पैंट्स में। ये आगे की तरफ भी सेम है और पीछे की तरफ भी सेम है गिरा, और आपको पैंट स्टाइल में आपको ये पजामा नीचे का मिल जाएगा इसका, और लाइट वेट फैब्रिक है, और एक ये इस तरीके की रबर मिल जाएगी। जो मैंने इसका साइज़ लिया वो लिया है एम साइज़। अब फटाफट दिखाती हूँ इसका कुर्ता कैसा आया है। सो जो कुर्ता आया है वो आपको ये दो शेड आपको कलर आपको दिखेगा, एक तो पर्पल कलर दिखेगा और थोड़ा सा होने पर हल्का पिंक कलर भी इसमें आएगा टच, लेकिन कलर वॉज सो ब्यूटिफुल। और ये बहुत ही लॉन्ग कुर्ता है, तो जिनकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी है, जो शॉर्ट हाइटेड गर्ल है उनके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि अच्छा लगेगा, या आपके ऊपर मन है अगर आपको पहनने का मन है तो पहन सकती है। डिज़ाइन आपको इस तरीके का मिल जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे, और एम साइज़ मैंने लिया है, और हाथ इसके है 3/4 स्लीव्स है, और इस पर भी पूरा ऐसे बना हुआ है ये रहा। और अब मैं फटाफट अब आपको पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और एक चीज़ दिखाना मैं भूल गई, और ये जो चुन्नी है, चुन्नी का आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, और आई रियली डोंट नो कि कलर कॉम्बिनेशन किस वजह से इस कलर का दिया गया था। सो इस तरीके की स्टिचिंग इसकी निकल रही है, बहुत ही पतला फैब्रिक है, नाम मात्र का ऐसा लग रहा है इसके साथ ज़बरदस्ती दे दिया गया है, और कलर कॉम्बिनेशन मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। उसके साथ साथ सेम कलर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बिल्कुल भी डल कलर लग रहा था उसके ऊपर। और फटाफट पहन के दिखाते हैं कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आया है और कुछ इस तरीके का लग रहा है। सो लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का है, कलर बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल टू वेयर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई पॉलीथीन पहन रखा है, और आई रियली डोंट लाइक इट। आई डोंट नो वाई कि लड़कियों ने क्यों कहा है कि बहुत अच्छा है। मे भी शायद स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मुझे नहीं है इंपॉर्टेंट, भी है मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो ये कुछ इस तरीके का लगेगा नज़दीक से आपको। सो अगर आपका मन है तो पहन सकते हैं। देखिए ये सबकी खुद की चॉइस होती है कि कैसा क्या पहना, लेकिन मेरी चॉइस है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपका मन है तो पहन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। और मैं चुन्नी दिखा देती हूँ कितनी डिसकलरेट लग रही है इसके साथ। जो चुन्नी इसके साथ मुझे तो कुछ खास मैच नहीं करी, मे भी शायद इन लोगों ने जो इसमें थोड़े से कलर है इसके साथ इसको मैचिंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन आई रियली डोंट लाइक इट। सो आपका मन है तो ले सकते हैं। मैंने इसको रिटर्न के लिए ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक बार वीडियो बना दूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको ख़रीदने वाले होंगे। तो और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, और ये ऐसा है ना कि आपको फील करेगा कि आपका पेट बहुत निकल गया, कि मेरा बिल्कुल भी पेट नहीं है, लेकिन ऐसा फील है। और लेंथ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लेंथ इसकी कुछ इस तरीके की है। सो आई रियली होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।